माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जिस चीज़ का सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था, नीट 2023 का, नीट 2023 से रिलेटेड जो ऑफिशियल बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एप्लीकेशन फॉर्म या जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सभी के लिए एक PDF अपलोड की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। अभी मैं आपको उसी डिटेल्स को एक्सप्लेन करने आया हूँ, तो बेहतर होगा हम साथ साथ एक्सप्लेन करें, बाकायदे कि मैं आपको कुछ कुछ इधर उधर की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट 2023। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो इनविटेशन है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन इसमें बताया हुआ है। ऊपर कुछ बेसिक्स, कोई खास बात लिखा नहीं हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि नीट UG जो है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ताकि आप मेडिकल के लिए अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेस है उसमें एडमिशन ले सकें, ठीक है। और इस BAMS, BUMS, BSMS इनमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। नीचे एक और लिखा है कि अभी आपको BHMS के लिए, मतलब कि होम्योपैथिक में भी एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ये एक फ्यू पॉइंट्स है जो कि बेसिकली सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। नीचे लिखा हुआ है कि MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जिसको भी जाना है, जिनकी BSc नर्सिंग जो 4 साल की पढ़ाई है, वो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स में होंगी 2023 से, उनको भी नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। और नीट के मार्क्स पर ही डिसाइड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा कैंडिडेट्स का, किनको किनको चूज किया गया बीएससी नर्सिंग के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। ये भी इन्फॉर्मेशन कुछ उतने काम का नहीं है, क्योंकि ये न्यू है बट उतने काम का नहीं है। सबसे नीचे उसके बाद है जो इंट्रेंस टेस्ट होगा हर साल की तरह, कुछ नया नहीं है इसमें। 200 क्वेश्चंस के होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में 2 होगा, बॉटनी एंड जूलॉजी। 50 क्वेश्चंस इच सेक्शन, हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन होंगे, हर सेक्शन के 2 सब सेक्शन होंगे इसमें लिखा होगा, आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो 50 क्वेश्चन इन इस सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अब इनके 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। एग्ज़ाम जो पूरा होगा, जब 200 क्वेश्चंस का है तो 200 मिनट्स का होगा, 3 घंटे 20 मिनट्स का जो एग्ज़ाम होगा, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। इस बार हर साल की तरह नीट UG जो हो रहा है 2023 का, 13 भाषाओं में हो रहा है, इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नडा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है 6 मार्च से स्टार्ट करके 6 अप्रैल 2023 तक है, यानी कि आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम है नीट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट डेट तक, मैंने फॉर्म बहुत लोग भर देते हैं और पेमेंट नहीं करते, उनके लिए पेमेंट का लास्ट डेट कौन सा है, तो वो भी 6 अप्रैल ही है, रात के 11:50 तक, रात के 9 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं 6 अप्रैल के, और रात के 11:50 तक पेमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट 6 अप्रैल का वेट करता है, शुरू के 10 से 15 दिनों में ही सारे फॉर्म भरे जा चुके होते हैं, पेमेंट कंप्लीट हो जा चुका होता है, क्योंकि इसमें कोई भी बंदा ऐसा मिस्टेक करना नहीं चाहता है, ताकि उसको नीट एग्ज़ाम में अपियर होने का मौका ना मिले, जिसके लिए वो लास्ट 1 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म की प्राइसेस क्या होंगी। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये है, जनरल EWS OBC के लिए 1600 रुपये है, ठीक है। SC ST PWBD और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये है। हर साल की तरह एग्जाम इस साल भी इंडिया से बाहर भी, आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे सेंटर्स बनेंगे, वहाँ भी हो रहा है, क्योंकि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं, उनके मदर पेरेंट्स बाहर रहते हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उन्हें नीट का एग्ज़ाम देना है तो वो बाहर भी दे सकते हैं, उन्हें इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जो फॉर्म की प्राइसेस होगी 9500 रुपीज़ होगी, ठीक है। किस शहर में एग्ज़ाम होगा, जो आप सिलेक्शन करोगे सिटी, उस बाद में अनाउंस होगा वेबसाइट पर, एडमिट कार्ड भी आप बाद में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन का डेट 7 मई 2023 है, एग्जामिनेशन का डेट 7 मई 2023। हर साल की तरह पहले कोविड से पहले जो होता था, मई के पहले वीक में, यानी कि मोस्टली फर्स्ट संडे को जो एग्ज़ाम हो जाता था नीट का, रिजल्ट जून में आ जाता था, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता था जून के लास्ट में, और जुलाई अगस्त तक मोस्टली एडमिशन कंप्लीट हो जाते थे इंडिया में भी, एब्रॉड का तो कंप्लीट हो ही जाता था, और अगस्त लास्ट में एब्रॉड के सारे बैच डिपार्चर हो जाते थे, और 1 सितंबर से उनकी क्लास चलती थी, जो कि हमेशा से होते आ रहा था। कोविड की वजह से 2-3 साल से डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि नीट टाइम पे होगा, तो रिजल्ट टाइम पे आएगा, और रिजल्ट टाइम पे आएगा तो जो हमारे बच्चे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो कि मोस्टली हमारा डोमेन है जहां हम काम करते हैं, DMBBS नाम ही में हमारे लिखा हुआ है, DMBBS स्टडी अब्रॉड, केवल हम अब्रॉड के लिए काम करते हैं, तो वो अब टाइमली अगस्त में ही जा पाएंगे अब्रॉड अपनी पढ़ाई के लिए, अगस्त के लास्ट में चले जाएंगे, और सितंबर के पहले वीक से इनका क्लास शुरू हो जाएगा पहले की तरह। ये कोविड के 2-3 सालों में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, और बच्चों को जो कठिनाई आती है पढ़ाई मेकअप करने में, कवरअप करने में, 2-3 महीने डिले होने की वजह से, वो अब नहीं होगा। टाइम मैंने बता दिया, 2 बजे से 5:20 तक आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो होगा 200 मिनट का होगा,
सेंटर, डेट और शिफ्ट जो होगा आपके जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर मिल जाएगा। डिस्प्ले जो भी है आंसर की सब कुछ वेबसाइट पे आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यहाँ PDF का भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये शॉर्ट में काम की बात रहा, 6 मार्च से 6 अप्रैल तक एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का कीमत जनरल के लिए 1700, जनरल EWS OBC के लिए 1600 और थर्ड जेंडर SC ST PWBD के लिए होगा 1000 रुपये। इंडिया से बाहर सेंटर होगा तो उसके चार्जेस होंगे 9500 रुपीज़। एग्ज़ाम का टाइम जो होगा 2 PM टू 5:20 PM होगा, ड्यूरेशन जो होगा 200 मिनट्स होगा। थैंक यू सो मच गाइस, अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रहा हो, समझ ना आ रहा हो, कोई भी रिलेटेड टू नीट 2023, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। वी आर हेयर टू सर्व यू, वी आर हेयर टू गाइड यू। हमारे ऑलरेडी बहुत से ग्रुप्स चल रहे हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे नीट प्रिपरेशन के ऑलरेडी, जिसमें जो स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी ज्वाइन है उन्हें पता होगा, उनकी रेगुलर बेस पे पिछले 6 महीने से प्रिपरेशन कराई जा रही है। अब कोई क्रैश कोर्स के लिए हम प्लान कर रहे हैं, ताकि अब तो आप अगर आपको नहीं पता था पहले से, आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम टीचर से बात करके एक रैपिड कोर्स को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, जो 1 से 2 महीने का हो, जहां आप ज्वाइन कर सकें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट अस इन केस यू नीड आवर असिस्टेंस। थैंक यू सो मच गाइस।